तो मैंने तुम्हें LCR सीरीज का रेजोनेंट पार्ट सर्किट सिखा दिया था। थोड़ा सा उसके बारे में और बताना चाहूंगा उनको अभी, वो LCR सीरीज रेजोनेंस के बारे में कुछ एक दो पॉइंट्स और बताऊंगा। शुरू करेंगे LCR सीरीज रेजोनेंस में कुछ कंडीशंस और बताऊंगा। व्हेन एफ इक्वल टू एफ नॉट समझ गए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। फेज डिफरेंस जीरो था किसके बीच में, करंट एंड सप्लाई वोल्टेज। एफ अगर एफ नॉट से ज्यादा है, अब बेटा ध्यान देना, एफ एफ नॉट से ज्यादा है तो इस वाली कंडीशन में एक्सेल जो होगा वो एक्सी से ज्यादा होगा। अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से ज्यादा है तो एक्सेल एक्सी से ज्यादा होगा। तो मैं यहां लिखूंगा सप्लाई वोल्टेज और अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से कम है तो उस केस में एक्सएल। तो फिर मैं यहां वापस से लिखूंगा ये लिख लो तीनों बेटा, आप समझ रहे हो। यहाँ पे देखो, जब यहाँ देखो अपना जो डायग्राम था इस इम्पीडेंस और इसका, वो कुछ ऐसा था एफ नॉट। इस जगह पर यहां से लेकर यहां पर आगे बढ़ने पर एक्सेल एक्सी से ज्यादा होगा, इस जगह पर एक्सेल एक्सी से कम होगा। तो वो समझ गए तुम क्या, डायग्राम की जरूरत नहीं, बस ये लिख लो जो मैंने पॉइंट्स लिखा है। लिख लिया सर। एक दो पॉइंट्स और बताना चाहूंगा, ये उस समय नहीं बताया था मैंने। सपोज करंट की इक्वेशन है और वोल्टेज की इक्वेशन है, ठीक है, तो जो पावर होगा सर्किट का वो होगा IRMS VRMS cos phi। ये लिख लो पहले, तुम्हें बता चुका हूं बट चल अभी बताऊंगा। I'll give you a problem, उसको सॉल्व करेंगे फिर तुम लोग आंसर सॉल्व बताना।
लिख लिया बेटा। लेट्स टेक अप अ प्रॉब्लम। लेट्स से मैं तुम्हें सवाल दे रहा हूं, निकालो। आंसर आ गया, लेट्स सी। इट विल बी IRMS VRMS cos phi। तो ये 30 है, ये 90 है, ठीक है। अगला दे रहा हूं बेटा, जो बेसिक तुम्हारे एग्जाम में आता है। नेक्स्ट मुझे पता तुम तुरंत दे दोगे। करो सवाल, दूसरा भी दे रहा हूं। हाँ, इसका बताओ सब आंसर। जीरो होगा क्योंकि फेज डिफरेंस आपको पता है जीरो है। आई होप यू आर क्लियर बेटा। सब बताओ जल्दी, हाँ ना बोलो। अरे बोल दो ना यार। यस सर। ठीक है, अगला वाला करो, बी पार्ट। अभी मैं देखूंगा किस किस ने टेस्ट दिया है क्लास के बाद, कौन कौन दे रहा है, कौन कौन नहीं दे रहा है। और मैं आपसे भी एक इंफॉर्मेशन और चाहूंगा। अगला करो। देखो पहले आई की इक्वेशन, इट विल बी 4 cos 40 एम्पियर। सो पावर 4/√2, 8/√2 cos 60 डिग्री। गुड, 8 वॉट्स। ये हो गया।
लिक्विड इन डालो, चोक कॉइल, चोक कॉइल। लिखो चोक कॉइल का थ्योरी लिखें पहले। चोक कॉइल शुड हैव, चोक कॉइल शुड हैव हाई इंडक्टेंस, हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस, हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस। If it is an ideal choke coil, if it is an ideal choke coil, if it is an ideal choke coil, then the resistance is zero. Then the resistance is zero. उस केस में रेजिस्टेंस जीरो होगा। चोक कॉइल हैज मेनी यूजेस, चोक कॉइल हैज मेनी यूजेस। मैं एक यूज बताऊंगा जो हमें हमें जिस लेवल पे काम करना है। चोक कॉइल हैज मेनी यूजेस, वन ऑफ इट्स यूजेस टू, वन ऑफ इट्स यूज, एक यूज बता रहा हूं जो अपने 12th बोर्ड के लिए जो अपने को पता होना चाहिए। वन ऑफ, अच्छा एक मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता था। सभी बच्चे हैं ना क्लास में? बेटा भोपाल का सीबीएसई रैंकर जो टॉपर है भोपाल का, प्लीज सब सुन ले ध्यान से, चाहे मैं कम बच्चे पढ़ाता हूँ बट ठीक है, दैट डजंट मेक मच ऑफ डिफरेंस। जो भोपाल का सिटी रैंकर है, सिटी रैंकर मतलब टॉपर ऑफ 12th बोर्ड सीबीएसई ऑल स्ट्रीम्स, ऑल स्ट्रीम्स, हमारे यहाँ का बच्चा है। नाम भी बता देता हूं तुम लोगों को, एंड आई होप आप उससे एक बार अपना एक वो जूम पे मिलना जरूरी है। उसका नाम है वैभवी, थोड़ा सा बताऊंगा, उसकी मम्मी का भी कॉल आया था। उसका नाम है वैभवी, डीपीएस की है और अविरल जानता होगा, 12th में थी वो। वैभवी शी इज अ बायो स्टूडेंट, फिजिक्स मुझसे पढ़ती थी, केमिस्ट्री हेमंत सर से और बायो शिवाली मैडम से। आज उसकी मम्मी का कॉल आया, मुझे नहीं पता था कि वो सिटी टॉपर है, मुझे बस पता था कि वो डीपीएस का जो टॉपर है, सिटी टॉपर। उसकी मम्मी ने कहा आज सर इसको फिजिक्स, जब ये 8th-9th में यूएस में थी, यूएसए में, तो वहां पर इसने फिजिक्स नहीं लिया हुआ था। वहां पर ऐसा होता था कि आप अपने मन से सब्जेक्ट ले सकते हो। तो जब ये 8th-9th में थी, ये यूएस में थी, उसके पहले भूटान में थी, तो पढ़ाई इसकी ऐसी डिस्टर्ब रही। एंड व्हेन शी केम शी सेड सर मेरे को फिजिक्स, मेरे को कुछ नहीं आता क्योंकि मैंने वहां फिजिक्स लिया ही नहीं था अपने स्कूल लेवल पे साइंस में। एंड हर मदर सेड कि इसको सर फिजिक्स बिल्कुल पसंद नहीं था, बट शी नाउ लव्स फिजिक्स, आपसे पढ़ी इसलिए। ये तो चलो मैं छोड़ दूं, इसके बारे में मेरे को मतलब नहीं है, बट शी इज अ सिटी टॉपर ऑफ 12th सीबीएसई, मतलब मैथ्स से भी ज्यादा परसेंट है उसका। तो अपना एक उससे सेशन होना जरूरी है, मैं उससे आज बोलूंगा, केवल 12th बोर्ड के लिए। जब मेडिकल में हो जाएगा तब देखेंगे तब वो क्या बोलती है, पर अभी 12th बोर्ड के लिए, as she is a city topper, she might give you some, तुम पूछ सकते हो बेटा अपनी तैयारी करके कि आपने क्या पढ़ा था सर के नोट्स के अलावा, आपने क्या और पढ़ा था, तो वो जो बोलेगी अपन उस चीज को फॉलो कर लेंगे। उसने करा होगा कुछ और, ऐसा नहीं हो सकता कि केवल मेरी बुक ही करी हो, किया होगा, मुझे भी नहीं पता क्या किया था उसने, बट वी नीड टू। और वो सिंसियरिटी की अगर बात करते हो, वैसे तो चलो अभी नहीं बात करता इस बारे में, इसलिए बट अभी उसका हो जाना तो मेडिकल अगर होता है तो, क्योंकि मुझे बस उसमें एक डर ही लगता है उस बच्चे के साथ, नर्वस हो जाती है एग्जाम के समय बहुत ज्यादा, मतलब कभी कभी मुझे डर लगता है उस चीज से, लेट्स सी क्या होता है। तो ये मैंने तुमसे शेयर कर लिया अपनी इन्फॉर्मेशन, तो तुम समझ सकते हो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो बोर्ड के लिए। कई लोग बोलते हैं
सवाल कराते हैं, ये कराते हैं, इनका बोर्ड क्या, वो सब सब बकवास, सब बकवास है। मुझे पता है मैं क्या पढ़ाता हूँ, मेरा क्या कोर है, स्ट्रेंथ। और जो नहीं बताता वो बता भी देता हूँ कि बेटा ये मेरा एरिया कमजोर है, अपने आप करने में। तो मैं चोक कॉइल का कह रहा था, इट इज अ चोक कॉइल हैज हाई इंडक्टेंस लो रेजिस्टेंस, एन आइडियल चोक कॉइल हैज जीरो रेजिस्टेंस एंड इट हैज मेनी यूजेस। और मैं वन ऑफ द यूज के बारे में बात कर रहा था, वन ऑफ द यूज मैं बोल रहा था, वन ऑफ द यूज ऑफ चोक कॉइल इज टू, वन ऑफ द यूज ऑफ चोक कॉइल इज टू कंट्रोल, इज टू कंट्रोल एसी करंट, मत बताऊंगा, इज टू कंट्रोल एसी करंट। ब्रैकेट में लिखो लिमिट, लिमिट लिमिट एसी करंट। अभी समझा देंगे बेटा, थोड़ा सा समझ धीरे धीरे करके। देखो कैसे क्या हो रहा है, यहां देखिए, सपोज करो, लेट्स सी, अब मैं समझाऊंगा चोक कॉइल के बारे में क्या है, क्या यूज क्या है, टू कंट्रोल एसी करंट। समझो फॉर एग्जांपल, मुझे बताओ कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, डीसी लगे, कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, 2 एम्पियर, ठीक है। अब अगर मैं चाहता, मैंने सप्लाई को 20 वोल्ट कर दिया, सुनना बेटा, सप्लाई को 20 वोल्ट कर दिया और मैं चाहता हूं कि करंट 2 ही रहे, कंट्रोल लिमिट रहे, 2 एम्पियर पे ही रहे, आई वॉन्ट द करंट टू रिमेन एट 2 एम्पियर, आई हैव इंक्रीज द वोल्टेज, व्हाट शुड बी द न्यू रेजिस्टेंस, टेल मी, 10 ओम। बट क्या मैं डीसी करंट को क्या लिमिट या कंट्रोल कर सकता हूं बाय अ कॉइल? नो। क्या मैं डीसी करंट को कंट्रोल या लिमिट कर सकता हूं बाय अ कॉइल? नो आई कैन नॉट। और ना ही मैं कैपेसिटर से कर सकता हूं, कैपेसिटर लगा दूंगा तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो अभी मैं बोलना चाहता हूं, डीसी करंट कैन बी कंट्रोल्ड और लिमिटेड, कैन बी कंट्रोल्ड ओनली बाय अ रेजिस्टेंस। ये तो तुम समझ गए ना, डीसी करंट को अगर मुझे कम करना है, सप्लाई बढ़ा मुझे, आई वॉन्ट टू लिमिट द करंट टू 2 एम्पियर, देन द ओनली पॉसिबिलिटी इज, then the only possibility is to increase the resistance. अब बताओ अगर 2 एम्पीयर चाहता हूं तो कितना होना चाहिए यहां पे? 20. तो एक स्टेटमेंट लिखो, डायग्राम मत बनाना, स्टेटमेंट लिखो, डीसी करंट कैन बी कंट्रोल्ड और लिमिटेड बाय By resistance only. ठीक है, बिल्कुल सही समझ में आ गया, सही बोल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखो, एसी करंट कैन बी कंट्रोल्ड, एसी करंट कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड, एसी करंट कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड बाय resistors, by resistance. AC current can also be controlled by resistance. बिल्कुल सही कह रहे हो, AC current को तो आप control कर ही सकते हो ना resistance से। कैसे? मैं नीचे लेके जा रहा हूं, AC current को भी आप control कर सकते हो resistance से, तो फिर लिमिट कर सकते हो, जो भी चाहो कम कर सकते हो। 20 वोल्ट अगर होगा और मैं चाहता हूं 2 एम्पियर ही फ्लो करे, तो ये 10 ओम कर दो। और अगर मैं इंडक्टर से भी चाहूंगा तो भी कंट्रोल कर सकता हूं। कैसे? तो सर इंडक्टर क्यों यूज कर रहे हो? बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तभी तो बता पाऊंगा।
इससे भी कम हो रहा है। मैंने बोला डीसी करंट कैन बी कंट्रोल्ड ओनली बाय रेजिस्टेंस, एसी करंट कैन बी कंट्रोल्ड बाय रेजिस्टेंस एज वेल एज इंडक्टेंस। अब आगे लिखो but by using inductor for controlling AC current, there is one advantage. Advantage है सर, क्या एडवांटेज है? देयर इज वन एडवांटेज, और वो एडवांटेज ये है, बाय यूजिंग इंडक्टर देयर विल बी नो पावर लॉस। क्या बोल दिया सर? डायग्राम से समझ में आएगा, रुको। ये तुम्हारे दो डायग्राम है, ये यहां पे कंट्रोल रेजिस्टेंस से हो रहा है, और यहां कंट्रोल कर रहा हूं। ठीक है ना, बट इसमें पावर लॉस हो रहा होगा, यहाँ पे पावर हीटिंग मतलब पावर से मतलब हीटिंग एनर्जी लॉस, इसमें नो पावर लॉस। ये फायदा है कि अगर आपको करंट को लिमिट करना है, कंट्रोल करना है, तो रिएक्शन से क्यों करो भाई, इंडक्टर से करो ना। कैपेसिटर जनरली पता नहीं किसी प्रैक्टिकल कारण से यूज नहीं करते, जनरली यही यूज करते हैं, क्यों नहीं करते होंगे, उसके पीछे भी कुछ कारण होगा। अभी कैपेसिटर को छोड़ो, चोकल पे बात हो रही है, इसमें नो पावर लॉस। उत्कर्ष समझ में आया? यस सर। कि अगर मुझे करंट को लिमिट करना है, एसी को तो रेजिस्टर से भी कर सकता हूँ, इंडक्टर से भी कर सकता हूँ, बट किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, जल्दी बोलो किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा? इंडक्टर को, क्योंकि उसमें पावर लॉस नहीं है। बट डीसी में तो भैया करंट कंट्रोल केवल रेजिस्टेंस से ही हो सकता है। ये तुमने देख लिया, यहां मैं इंडक्टर लगा दूंगा तो सिंपल वायर बन जाएगा। इज दिस पार्ट क्लियर? तो अब जो मैं कह रहा था कि एक आइडियल चोक कॉइल का, मैं कह रहा था कि एक आइडियल चोक मतलब एक चोक कॉइल का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। वो क्यों कम होना चाहिए? ताकि पावर लॉस कम हो। इसलिए मैंने कहा था, क्या कहा था मैंने, लो लिख लो, चाहो तो डायग्राम साइड में बना के रखना, तो इसे याद रहेगा, किसी किताब में ऐसे बना हुआ नहीं मिलेगा, इसमें मैंने बना दिया ताकि तुम्हें याद रहे। सारे डायग्राम बनाने मत बना बेटा, जरूरत नहीं है, जरूरत है नहीं, कोई जरूरत नहीं बनाने की, तुमने क्यों, ताकि तुम्हें याद रहे कि इसमें आप करंट को केवल कम कर सकते हो बाय रेजिस्टेंस, इसमें आप रेजिस्टेंस से भी कर सकते हो और इंडक्टर से भी कर सकते हो। देना आई होप तुम टेस्ट दे रहे हो, अभी मैं देखूंगा क्लास के बाद कौन कौन क्या कर रहा है, क्योंकि मैंने मेहनत करी है तुम्हारे वो बनाने की, चाहूंगा कि सभी दें, रिवीजन होता है उससे बेटा, बहुत सिस्टमैटिक वे में। इंडक्शन के टेस्ट चालू हो गए ना अपने? क्यों
इंडक्शन के टेस्ट चालू हुए कि नहीं हुए? मैंने लिंक करा कि नहीं करा? नहीं सर। क्या डेट कब से इंडक्शन के टेस्ट की? अरे यार आज था, आज लिंक नहीं किया था मैंने टेस्ट इंडक्शन का। नहीं सर। बस अभी मैं कर दूंगा क्लास के बाद, तुम दे देना, क्लास के बाद लिंक हो जाएगा। गलती से पता नहीं कैसे ध्यान से उतर गया, अभी क्लास के बाद कर दूंगा, रात में कर लेना, क्योंकि जिस डेट पे है उस डेट पे होना चाहिए। सर कल तक खुला रहेगा ना? आज से कल तक कर दूंगा ना, या कल के दिन कर दूंगा, ऐसा क्या है? इंडक्शन का टेस्ट कल के लिए कर दूंगा सही। लिख लिया बेटा? तो चोक कॉल का तुम लॉजिक मतलब समझ गए? चले बेटा जी आगे। सवाल है कि बिल्कुल सिंपल है, वेरी 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 इजी, वेरी वेरी इजी। बल्ब, सिक्सटी वॉट, 120 वोल्ट, ये बल्ब के रेटिंग दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, अच्छी बात है, 60 वॉट 120 वोल्ट पे देता है। अब दिस इज कनेक्टेड टू 240 वोल्ट, और ये सर बल्ब फ्यूज हो जाएगा मेरा, हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा, कोई शक नहीं, आपने ज्यादा वोल्टेज लगा दिया, 240 वोल्ट एसी। फाइंड द रेजिस्टेंस इन सीरीज सच दैट बल्ब सिक्स गिव्स। हाँ तो अब वो करंट को कंट्रोल करना चाहता है रेजिस्टेंस से, ए पार्ट में। तो मुझे आर की वैल्यू बताओ क्या हो। सबसे पहले मुझे बताओ 60 वॉट इक्वल टू कितना करंट चाहता हूं मैं फ्लो करें? 1/2 एम्पियर। तो 1/2 एम्पियर आई वॉन्ट द करंट, 1/2 एम्पियर। अब मेरे को बल्ब का रेजिस्टेंस बताओ, इस बल्ब का रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा? 60 वॉट टू फोर्टी ओम। सॉल्व करोगे तो 240 ओम आ गया, मतलब मुझे 240 ओम लगाना है करंट को लिमिट करने के लिए, पार्ट ए। और अगर पार्ट बी की बात बोल रहा है कि साहब हम तो नहीं चाहते रेजिस्टेंस लगाना है यहाँ पे, उससे तो पावर का लॉस होता है, आप तो मुझको इंडक्टर लगा के बताओ क्या होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? ये लो, इस बार इंडक्टर लगा था तो इससे एक्सएल की वैल्यू निकल आएगी, और यहाँ पे क्योंकि केवल रेजिस्टेंस था दोनों में आर आर, तो ये जुड़ गया था यहाँ बेसिकली, यहाँ पे इंडक्टर था तो ये ऐसे करके लिख लो।
बाहर बिल्कुल केयरफुल निकलना नहीं है, ज्यादा ध्यान रखें क्योंकि बहुत रैपिडली वो चीज फैल रही है अभी। कभी बहुत केयरफुल रहना है, दोस्तों दोस्तों के बीच में नहीं जाना है मिलने के लिए किसी को भी, घर पे ही रहना है थोड़ा बहुत, बस बाहर निकल गए। और अगर केवल डीसी से करना होता तो रेजिस्टेंस के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे, देन ओनली ऑप्शन वाज रजिस्टर। लिख लिया? यस सर। ये एक और मैंने बना दिया है, ये तुम अपने आप करो। करो अपने आप करो, मैं नहीं कर रहा। चलो कर देता हूं यार। 40 वॉट एट 120 वोल्ट, तो पहले बल्ब का कितना करंट चाहिए वो निकालो। बल्ब का आर निकालो, अब आपने यही बल्ब को जोड़ दिया है एसी सप्लाई के साथ 240, तो कितना मैं एक्सएल लगाऊं एल लगाऊं ताकि वो 40 वॉट ही दे, मतलब करंट मेरा 1/2 ही 1/3 फ्लो करे। सॉल्व कर, लिख लिया? यस अब डालो हॉट वायर एमिटर, हेडिंग डालो हॉट वायर एमिटर। उसमें लिखो डीसी करंट इज मेजर्ड, डीसी करंट इज मेजर्ड बाय अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। डीसी करंट इज मेजर्ड बाय मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एसी करंट कैन नॉट बी मेजर्ड, एसी करंट कैन नॉट बी मेजर्ड
by a moving coil galvanometer because by a moving coil galvanometer because the average torque will be zero. Because the average torque will be zero. For measuring AC current, hot wire emitter is used. This emitter is based on the principle of heating effect of current was based on heating effect of current. Hot wire emitter can also measure DC current because DC current also develops heating effect. So hot wire emitter एक heating के principle पे based है. तो इसके measure DC current और AC में जब measure करेगा तो वो RMS measure करेगा. AC में जो value measure होगी वो RMS होगी. आया. Hot wire emitter हो गया. अब बेटा मुझे check करना है यार ये एलसी टैंक सर्किट है कि नहीं सिलेबस में. मैंने तो किताब में लिखा हुआ है सर. वो एवरेज टॉर्क जीरो कैसे आया बेटा एसी के? टॉर्क इज एमबी, तो जो एम होगा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉइल, ये एम हो गया घूमता रहेगा ना बेटा. कॉइल एक जगह पे स्टेडी तो ना रहेगा, करंट की डायरेक्शन बार 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 बदल रही है. तो अगर मैं इसका एवरेज वैल्यू निकालूंगा तो जीरो टॉर्क आ गया ना, और इतनी फास्ट उसमें घूम भी नहीं पाएगी कॉइल. इसलिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर नहीं मेजर कर सकते एसी करंट. यार ये चेक करना पड़ेगा एलसी टैंक सर्किट है कि नहीं. मैं सोचता हूँ एक क्लास संडे को टैंक सर्किट पर रखूं. आज मैं तुम्हें वैसे तो जो भी मैं कराऊंगा आई डोंट नो वेदर दैट इज आल्सो देयर नहीं है, बट स्टिल मैं कराना चाहता हूँ. सर वो मैंने आपको भेजा था उसमें दिया होगा. बेटा क्या भेजा था, कब भेजा था सर? जब वही सिलेबस का कट ऑफ मतलब जितना. नहीं बोर्ड का नहीं पूछ रहा, मैं मेंस का पूछ रहा हूँ. शायद उसमें भी था. हाँ नहीं है सर. ठीक है क्या नहीं है? नहीं वो मैंने बोर्ड से रिलेटेड ही भेजा था सर. नहीं मेरे को ये सिर्फ फिजिक्स का. ये मेंस में ये अभी देख सकता हूँ क्या, कहाँ मिलता है मेंस का सिलेबस देखने के लिए? रुको मैं इसको मैं देखूंगा क्योंकि इसमें बहुत मैथमेटिकल है. मैं करा तो दूंगा बट मैं अभी कुछ और करा रहा हूँ. मुझे संडे को और कराना है, तो इससे पहले मैं एक चीज और कराना चाहता हूँ. संडे को
अब मैं तुम्हें फिर से देखो एक चीज से कह रहा हूँ, दो आई डोंट, ये भी नहीं है सिलेबस में, ये भी नहीं है सिलेबस में, बट स्टिल मैं बेसिक बता रहा हूं, ये भी नहीं है बेटा, बट तुम्हें समझा दूंगा, फिर मैं थोड़ा सा मैथ्स के बच्चों को अलग से करवाऊंगा चीजें, इसके बाद मैं केवल मैथ्स के बच्चों को बताऊंगा। पैरेलल वाला फिर मैं मैथ्स के बच्चों को कुछ चीजें बताऊंगा, बायो वाले अटेंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। सप्लाई वोल्टेज और जो मेन करंट है वो इस बार ऐसे लिखा जा रहा है, रादर देन इस बार मैं करंट में फेज दिखा रहा हूँ, ये जो करंट है मेन उसमें दिखा रहा हूँ, क्योंकि वोल्टेज सबका सेम है इसलिए उसमें फेज जीरो लिखा है, करंट में लिखा है। अब देखते जाओ मैं फेजर डायग्राम में क्या करूंगा, सारी आरएमएस वैल्यूज है, आई आर इसको ऐसे लिखो, पहले मैं ये वी आर एम एस सप्लाई का आरएमएस लिख रहा हूं, सप्लाई। अब मैं जा रहा हूं करंट्स का लिखने, तो मुझे बताओ इसका तो ये वोल्टेज जो है इसमें जो करंट होगा वो अपने ही सप्लाई के फेज में होगा, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा कैपेसिटर में आरएमएस वो सब इसका जो इन सबका वोल्टेज सेम है तो करंट फेज पाई बाय टू से आगे रहेगा, और इंडक्टर का करंट पाई बाय टू वोल्टेज से पीछे रहेगा। उत्कर्ष समझ में आ गया? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। अब आईसी और आईएल का रिजल्टेंट, ये मेरा मेन आरएमएस आ गया करंट। अब आईआरएमएस मैं इसके बाद कुछ सवाल लूंगा मेंस के लिए, और संडे को मेरी इसमें आखिरी क्लास रहेगी, आई होप यू गॉट द पॉइंट। और यहां पर भी वही टैन फाइ अगर निकालना है तो यहां से निकालो, वहां वोल्टेज से हो रहा था, यहां पे करंट से होगा, तो मैं टैन फाइ अगर निकालता हूं, मैं सवाल कराऊंगा अभी, कुछ स्पेशल सवाल कराऊंगा, ध्यान रखना। ये क्या आएगा, वन अपॉन एक्स के टर्म्स में आएगा, लिख लो। लिखना चाहते हो तो लिख लो, एक बार आइडिया बन जाएगा कि क्या किया है मैंने, लिख लो, नॉट एन इश्यू। समझाऊंगा इसमें और भी चीजें, जो थ्योरी वाली बातें वो बताऊंगा।
लिख लिया? ज्यादा नहीं, मैं तुम्हें क्वेश्चन से सिखाना चाहूंगा। इसके बाद मैं कुछ सवाल बताऊंगा जो मुझे लगते हैं बताने जरूरी हैं। लिख लिया बेटा? अरे हाँ ना, तो बोलो, लिख भी रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, बस ऐसे बैठे हो चुपचाप? यस सर, लिख लिया। इसमें भी रेजोनेंस का क्यों आएगा? उस समय अब इम्पीडेंस मिनिमम की बजाय मैक्सिमम हो जाएगा और करंट मिनिमम हो जाएगा। फेज डिफरेंस अब भी जीरो होगा, इसमें रिवर्स रहेगा, इम्पीडेंस मैक्सिमम हो जाएगा, करंट मिनिमम होगा। पावर निकालना है तो वही तरीका है जैसे था पहले भी। मेरी किताब कर लो बेटा पीछे की एक्सरसाइज, मुझे नहीं पता तुम कितने, मैं तो नहीं मान रहा कि 2000 बच्चों के अलावा कोई पीछे की एक्सरसाइज खोल भी रहा होगा। ठीक है, मैं कुछ बाएं वाले बच्चे अटेंड करें, मत जाएं भी, बस देखें। ये मेंस के सवाल है, कोई दो चार जो इस तरीके के आए हैं, करा रहा हूं बेटा, गिव मी सम टाइम, थोड़ा सोच लूं पहले सवाल। यहां वेक्टर रूल्स के साथ भी होता है, ध्यान रखना। ऐसे कुछ वैल्यू रैंडमली ले रहा हूं, हो सकता है सॉल्व करने में बाद में दिक्कत जाए। डायग्राम बना लो। बन गया डायग्राम? यस सर। फाइंड पहला पार्ट, फाइंड फाइंड द सप्लाई आरएमएस करंट, find the supply RMS current। अब हम करेंगे, देखिए क्या देखो कैसे करेंगे। ये 12 वोल्ट इन दोनों का है, उसको आप कहीं
कहीं से शुरू करो दिखाना। चलो ये 12 वोल्ट दिखा दिया, तीन क्वेश्चन कराऊंगा, मुझे बताओ इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा होगा अगर इसका 12 वोल्ट है, बोलो इसमें कितना करंट होगा। ऑब्वियसली 4 एम्पियर होगा, और जो 4 एम्पियर होगा रेजिस्टेंस में सप्लाई 12, तो 4 एम्पियर इसी के फेज में होगा, ये IR है। इंडक्टर में बताओ कितना करंट होगा, यहां तो आपने 4 एम्पियर एरो नहीं दिखाते हैं, ध्यान रखना यहां कितना होगा 3 एम्पियर होगा, और ये जो 3 एम्पियर है इंडक्टर के 12 वोल्ट से पाई बाय 2 पीछे रहेगा फेज में। सॉरी सर आ गया। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का बेटा 7 मत बोल देना, ये रेजिस्टेंस 7 मत बोल देना या 1 मत बोल देना। अब मुझे बताओ 3 और 4 का रिजल्टेंट कितना हो रहा है, तो पहला पार्ट मैंने क्या पूछा था सप्लाई करंट, तो 5 एम्पियर इतना लिख लो, फिर आगे कहानी बढ़ेगी। लिख लिया इसका बी पार्ट। सर ये डायग्राम थोड़ा ऊपर करना थोड़ा सा। आइए हाँ सर नीचे कर दीजिए। अब इसका बेटा बी पार्ट करंट नहीं फ्लो करेगा 2 ओम वाला। हाँ बेटा क्या सर वो 2 ओम वाला जो रेजिस्टर है उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसमें क्या कह रहे हो 2 ओम वाले में क्या होगा सर, 2 ओम वाले में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, यही कर रहा होगा 5 एम्पीयर बेटा, और क्या करेगा, जब मेन करंट निकाल दिया अपने 5 तो उसी में 5 भी तो जाएगा। ये देखो जब यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, 5 करेगा सर। फिर अपन ने फेजर डायग्राम में उसको क्यों नहीं शो किया, फेजर डायग्राम में क्या नहीं दिखाया सर, ये 2 ओम वाले का करंट बेटा इनका रिजल्टेंट यहाँ जाएगा ना, इनका रिजल्टेंट यहाँ से इन दो का रिजल्टेंट ही तो जा रहा है ना आगे या इधर, समझा नहीं मैं क्या पूछ रहा हूं। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि ये एक सर्किट है, प्लीज देखना ध्यान से उत्कर्ष है ना, ये सब रेजिस्टेंस है, सब रेजिस्टेंस है, तो यहां तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो क्या फ्लो करना चाहिए, बोलो क्या करना चाहिए 3 एम। हाँ तो बस खत्म हो गई बात, इन दो का रिजल्टेंट ही तो तुमने 3 करा ना, इन दो का रिजल्टेंट ही तो तुमने आगे बोला 3, तो इन दो का रिजल्टेंट 5 है तो 5 ही तो जाएगा रिजल्टेंट है, क्या डाउट क्या समझा नहीं, डाउट नहीं समझ में आया मेरे को, क्या पूछा जा रहे हो सर, मतलब जो 2 ओम वाले में 5 एम्पीयर है उसको अपन ने फेजर डायग्राम में क्यों नहीं दिखाया फिर? निकाला ना, वही तो निकालने को कह रहा हूं मैं कि बताओ मेन करंट कितना है, मैं और पूछ कह रहा हूं, मैं पूछ रहा हूँ ना कि मुझे मेन करंट बताओ कितना फ्लो कर रहा है, तुमने यहाँ निकाल दिया 3 कर रहा है 12/4, तुमने यहाँ निकाल दिया 4 कर रहा है 12/3, अब इन दो का रिजल्टेंट ही तो आगे जाएगा ना, पर इन दो का रिजल्टेंट 7 नहीं लिखा जाएगा, फेजर मेथड पे गए, फेजर में पहले 12 वोल्ट दिखाया, ये 12 दिखाया, ये 12, इसका 4 इसी के फेज में क्योंकि रेजिस्टेंस है, इसका 3 90 डिग्री पीछे है क्योंकि वो इंडक्टर है, अब उन दो का रिजल्टेंट 5 हो गया तो 5 ही तो जाएगा ना आगे, और कितना जाएगा उसको, वही तो निकालने को कह रहा हूं। ठीक है सर। हां तो बी पार्ट लिखो, व्हाट इज
supply voltage. What is the supply voltage? अब मैं बता रहा हूं सप्लाई वोल्टेज कैसे निकलेगा, रुकिएगा, कोई मुझे बताएगा यहां कितना वोल्ट होगा? कैन एनीवन टेल मी यहां कितना वोल्ट होगा? उत्कर्ष बताओ इसका कितना वोल्टेज होगा इसके पास? 10 वोल्ट. 10 वोल्ट. अब उसको फेजर डायग्राम पे चलो दिखाने के लिए. फेजर डायग्राम में 10, मुझे बताओ जो 10 होगा, जो 10 होगा, जो यहां 10 होगा वोल्ट, वो इसमें जो करंट है 5 उसी के फेज में होगा ना बेटा? जो रेजिस्टेंस का करंट होता है और रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज होता है सेम फेज में होते हैं, इस पे एग्री करते हो? यस सर. तो जो 10 वोल्ट होगा वो इधर दिखाई जाएगा, ये मान गए, ये मेन करंट है जो कि तुम्हारे इससे फ्लो कर रहा था 2 एम्पियर से, तो 10 वोल्ट आ गया. अब मुझे ये निकालना है, तो मुझे बेटा ये वाला एंगल पता होना चाहिए, जो भी थीटा है, जो भी जो तुम बोलना चाहते हो, अल्फा वल्फा, जो भी, व्हाटएवर यू वांट टू से, डोंट, मतलब जो भी तुम इसको बोलोगे. सपोज ये अल्फा है, तो अगर ये अल्फा निकाल सकूंगा तो फिर यहां देखो, यहां 10 है, यहां 12 है, इनका रिजल्टेंट इसके बराबर होगा, तो इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो ये आ गया 12 वोल्ट इनका रिजल्टेंट. अब अल्फा कैसे निकालूंगा? अल्फा बताओ मेरे को यहां से निकाल रहे से. डाल के सॉल्व कर लेना, हो गया. नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, दो और दूंगा. हाँ बोलो. भाई ये दोनों रेजिस्टर्स के बीच का रिजल्टेंट क्यों निकाला? कहाँ निकाला? दो कोई किसका निकाला रिजल्टेंट? बेटा यहाँ कितना वोल्टेज है? यहाँ पर 10 वोल्ट. 10 वोल्ट. यहाँ कितना है? 12 वोल्ट. तो इन दोनों का इफेक्टिव भी तो इसका सप्लाई वोल्टेज होगा. तुम ये क्यों कह रहे हो रेजिस्टेंस का निकाला? मैंने रेजिस्टेंस का नहीं निकाला, मैंने 12 वोल्ट और 10 वोल्ट का रिजल्टेंट निकाला है. जी सर. लिख लिया हो? मैं एक और दूंगा, सिंपल दूंगा, उसमें तुम्हें जल्दी, मुझे एक्चुअली पहले सिंपल देना चाहिए था. ये देना चाहिए था पहले. Find the main current. Find the main current. पहले मुझे बताओ यहां कितना करंट है? 4 एम्पियर. यहाँ कितना है? 3 एम्पियर. अब यहाँ चलो फेजर पे चलो, 12 दिखाओ. इंडक्टर का करंट अपने वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहेगा, कैपेसिटर का करंट अपने वोल्टेज से आगे रहेगा. अब इन दो का रिजल्टेंट बताओ. 1 एम्पियर.
अब आगे चलो, ये रिजल्टेंट वन आ गया, यहाँ वन आ गया, तो जो 12 वोल्ट है इसमें 5 वोल्ट होगा और इसका 5 वोल्ट करंट के फेज में होगा, इनका रिजल्टेंट निकालोगे 13 वोल्ट आएगा। लो कहानी खत्म। एक और देंगे, ये हो गया क्लियर। एक और लास्ट, फाइंड द सप्लाई वोल्टेज। फाइंड द सप्लाई वोल्टेज। तो शुरू करता हूं, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, अब देखो, अब इंटरेस्टिंग चीज आने वाली, बहुत मजेदार। ये तो मैंने कर दिया, अब आगे देखो, आगे देखो, इसमें कितना वोल्ट होगा? 2 वोल्ट। वेक्टर का रोटेशन सेंस ये है, 2 वोल्ट जो होगा इसमें जो करंट है π/2 आगे रहेगा, π/2 आगे रहेगा, π/2 आगे रहेगा, π/2 आगे रहेगा। ये लो आ गया, आंसर आ गया। कितना सिंपल है। और एक चीज बताता हूँ, इंजीनियरिंग में इतना लिख लो पहले, फिर बताऊंगा इंजीनियरिंग में कैसे होता है, वो भी तुम्हें बताऊंगा मैं करके अगली क्लास में, मैथ्स के बच्चों को। लिख लिया। इंजीनियरिंग में ये भी तरीका नहीं आता, वहां तो और सिंपल तरीके से कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की टेक्निक से। अरे सर कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे, खुद बताओ। अभी तुम्हें इसमें कष्ट आ रहा है ना वेक्टर डायग्राम बनाने में, सपोज यही सवाल अगर मैं ऐसा कर देता कॉम्प्लिकेट, ये बना दू, ये बना दू, ये बना दू, पता नहीं क्या क्या कर दू, तो कब तक लाइने खींचते रहोगे और एंगुलर बनाते रहोगे। सर मैं आया, मैंने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स नंबर सिखाते हैं, जैसे ये आपने ये बनाया, आपने ये भी लगाया, आपने ये भी लगाया, आपने आगे कुछ और भी कुछ कुछ कर दिया, और ये कर दिया, ये कर दिया, तो इसको थोड़ा ना आप फेजर से कर पाओगे, फेजर से नहीं कर पाओगे, ये हो ही नहीं पाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगा। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से सिखाते हैं, वो भी मैं सिखा दूंगा, जस्ट टू टेल यू कि मुझे अभी भी याद है, भूला नहीं हूं। तो ये था बेटा, संडे हम मिलेंगे और